नमस्ते और आदाब रसोई कार्यक्रम में आप सबको एक स्वागत बा। आज के कार्यक्रम में हमने आल हैजा आपादू परिवार हिया आपादू परिवार में चाची अनंता आपादू हमने खातिर एगो खास सतर्कारी बनयना जेकर नाम है चाची पुंगा बनान बेटी पुंगा बनान की तकारी पका। हाँ तो हमके बतावा पुंगा बनान बहुत जना नहीं जानी हाँ, लिखा पुंगा बनानो आई ही है हाँ? पुंगा बनान अब एक काट के चाहे छीले के एकर तरकारी बनेला। हाँ तरकारी बनेला एकर जासो भी बनेला और दाल में भी डाला दाल में। हाँ दाल में ऐसे। हाँ तो एक ही से चाहे काट के। अच्छा हई से बनेला। हाँ हई से हई से हईयो से बनेला में तनिक कासा हो जाला। हाँ से हाँ एक ही चाहिए अब ऐसे काटे के ऐसे। हाँ अब एक ऐसे काट के तब एक चाहिए बुई करे के बुई। हाँ बुई करे के चाहिए ला काहे काहे चाची तो जमे कासा नहीं रही बाबू। हाँ हाँ एकर में दूध ही सब दूध है दूध है ही में। अब ऐसे चाहिए काटे के चाची है कंचा है। हाँ, हाँ बेटी है कंचा है काट दे बात ऐसे रहेला। हाँ इसे ही बुई करे के पसकीरे कर में दूध रहेला। हाँ तो एक तरकारी। हाँ तो अब है कि तरकारी पकाओ और वो फिर भी बैगन के चटनी बना। बैगन हाँ, सबसे पहला दलबा। हाँ बेटी बैगन वा तनी लेता हूँ लिवेला जरे के अब बैगन वा के जरा के तब चटनी बना बे के ऐसे ऐसे अब एक में जरे दे चटनी बना तनी ऐसे। हाँ और अब जिला तकारी छोकर भाई बनान की पुंगा वा की चाची। हाँ बोलो पुंगा बनान खातिर कौन सी चाहेला कौन सी डाल बा पकाई की कारी पुले डालो प्याज डालो अदरक लहसुन डालो पुमनामू डालो और तनिकन तिला के ज्वाइयों को तुमिली मसाला डालो मिट्टी वा फोरन डाले की फोरन। हाँ फोरन है फोरन मिट्टी जीरा हो जैसे बोला है ये बुई करके रखने हवा तो कौन सी चाहेला छोंके खातिर चाची। हम हाँ, जेपीस बाबीटी जेपीस सब जेपीस डालो तब छोंक बुके है तेल हो। हाँ बाद है तेल है एगो औचे है चाची। नहीं बेटी औचे नहीं है ढला तो वहाँ कब आई नहीं तो ढेर हो जाला। हाँ ढेर हो जाला। हाँ देखा था। हाँ कटबत तो ढेर होला। हाँ छोटा छोटा काट दे बत ऐसे ढेर हो जाला। और ये है है जाक नियन दिख रहा ना जाक जैसे। हाँ 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 है सकबा बिरयानी में डाले नहीं है नहीं नहीं डाले है कबू नहीं डाले है नहीं जानी है कि बिरयानी में नहीं बिरयानी में यार नहीं अच्छा रही बीती है गाली की नहीं नहीं अच्छा रही बिरयानी में। अब इकर में तनी नमक डालो नमक। अभी की तरह ही देखो अभी एक तो बाब है नहीं 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 इसमें तरह ही है तनी लेता हूँ ले है यो तरह ही के तो लेवे लाही तनी कन तराई के से मा है कि इसे चाहिए घुमावत रही की बेटी जमे झरी नहीं भेड़ तो सकबे की चटनी बनाई। Thank you.
हां बेटी अब फ्रिया हो गल अब एक छोकप तकरिया के हई ओकर फुरन हतकारी में डाले की जेपी से ओकर जेपी मिलांस हां मिलांस हमने फुरन बोली ला सब हां त हई डाल अभी में हमने नुवो जेनरेशन ए जानी लन सब फुरन हां हई के फुरन बोला ला अब एकर में तनी कन का हई हई काहे डाली ला पॉफ फाइन दे हां अब तनी कन कारी पुले डाल अब आर तनी प्याज डाल अब तराई के चाहिए प्याज वाई में प्याज जस्ती चाहिए अब एकर में सब सेवरेट रही डाल के पकाई पुल रही डाल के पकाई हाँ जन तुम्हारा मन रही बोला कि दाल में भी डाला दाल में डाला ला और ओकर लेके आवा रही तो लेके आवा काट के पीटी पीटी दाल में डाल दे एक एक काट के सब जासो कर दे जासो हाँ बहुत चीज बनेला लेकिन जस्ती जना नहीं जाने लगा हाँ खुदरी जन बहुत है जलन है तो न चाचे नहीं बेटी नहीं जितना जरी उतना अच्छा भाई हाँ गिरो तो नहीं नहीं गिरी एक ही अवतार दिली थे के लिए कालब नहीं ऐसने छोंक दी वो बिके अब इकर में तनी कन नहीं चिलानी हो चिलानी हाँ तनी कन चिलानी पिसल पिसल हाँ अब तनी कन लाई जा जाम डालो सिलोरा में किसी हो ना तो हाँ चिलानी हाँ सिलोरा में हाँ खाली लाई जा जाम हाई लाई सजाम अर्थाने कन जायो सही एक के में काजे कर दी थी अच्छा अच्छा हाई लाई सजाम और प्याज हाँ पिसल हाँ पिसल हाँ हाई मसाला हाँ अर्थाने मसाला डालो भी में मसाला हाँ हाई जले लाना जब हाँ तनी तरबा ना तन जले ला हाई पुम नामु डालो और चाहिए नहीं नहीं बस दिखला कितना तो चाची है तरकारी सूखल रहेला नहीं बेटी अभी मैं तनी कुन पानी डालो पानी हाँ तनी सुन लतपत लतपत हाँ हाँ लसगर लसगर हुई जमे हाँ अब बैगन में भुंजा गल बेटी अभी के निकालो अब एक निकाल के एकर में पुमदामू डालो ग्रुजी हुई के अच्छा पुमदामू वो ग्रुजी करके पुमदामू हाँ नेते के चाहे जराई की पुमदामू के तब बैगन में डालो पुमदामूर बहुत ही झरना कढ़ाई में तारे लग सा ना हाँ बेटी चाहे तेल डाल के तनिक अंतार दे के तब बैगन वहाँ में डाल के चटनी बनाई थी ओके तो अभी हाँ एक चटनी बनाई बा हाँ एक चटनी बनाई छिले के चाहिए ना हाँ अभी छिले के चाहे कलर छिलो भी के हाँ लाके हाँ बैगन के चटनिया में चाहे थोड़ा कन आलू डाली के आलू बुई करके क्राजे करके हाँ? तब डाले के चाहिए हमें हाई तनी कन लाग के डाला दे हाई बैगन में खा कहे आलू सवाद खतिन स्वाद हाँ दूसर सवाद है आलू डलब तो हो गला मस्त कारी हाँ हई है पोंगा बनान हाँ पोंगा तो ऐसे देख बात नहीं जान बो नहीं बोल बो पुंगा बना हाँ कोई जना खाएं सा तो नहीं जाने नहीं जाने नहीं जाने चाची है पुंडा मुना नहीं जाना था जरा तो बेटी तो निकल हाँ तो करिया हुई आग में डल बो तो वो करिया होला और तेल में डल बो तो इसने लाल रही तो एक ही चाहिए जराई के लिए मन से नहीं तो भीतरी नहीं सीधी पलना मुनवाना नहीं पकी हाँ क्यों बोला एक कर में अगर आलू अलवा बुई करके डालबा तो जस्ती स्वाद स्वाद हाँ अलवा में हाँ ये गो दुगो दुगो हाँ दुगो छोटा हाँ दुगो छोटा अभी कर में तनी कन प्याज डालो तनी पीमा डालो लिखा सब छिलके हाँ ये में डालबा हाँ हाँ ये में डालो सब कर में तनी कन लीमक डालो Tinggal tel dalam. Tinggal tel. Abah bayi bayi kan macam cili di hari ni dalam. Hua dek ya?
नहीं नहीं जरी हूँ गरम बाद ना अभी हाँ तो नहीं गरम बाद मैं दिखाई दिखा जोड़ी से जर गा चाची जोली से भुंजा कर ना हाँ बेटी भुंजा कर जोली से अब कबो कबो बाहर से दिखेला कि पक गल लेकिन मगर जब छिलबा तब भीतर नहीं पकड़ रही तब भीतर नहीं पकड़ रही ना बेटी तब ऐसे कोले रही नहीं निकली नहीं इमेस बैगन वाला नहीं निकली कोले रही चटनी भी बनाए बात तक कंचा कंचा रही हाँ ये देखा है भुंजा कर सब निकल गई ये देखा ऐसे चाहिए बरका बैगन रहल इतना हाँ तनी कन होगा हाँ कमती होगा हाँ तब भुंजा गल ना हो खातिर इकर में है सीथों नहीं वो नहीं डाली ना कहे इकर में पल्लामून डाला था हाँ हाँ अब जरा दिली बेटी पल्लामून वाना अब एक छील अब छील के तब बैगन वा में डाला तू बोला कि है मैं सीथों नहीं डलबा नहीं कहे कि पल्लामून डाला था इकर के हाँ अभी इतनी गर्म बाप छी लेके की तो तनी सुन घरी थोड़ा घरी हम नहीं आता था हाँ हाँ ठंडा हो गया ना हाँ तनी ठंडा हो गया छील की कि तनी बैगन हुई में डाले की काजी करेगी अब एक एक काजी कर अभी मैं एक सब मिलाओगे कर मिलाओगे कर अब सब हाँ सब इक्के में और मिलाओगे करके चटनी कर दी वो इकर में नमक डले हवा नमक डली तेल डली प्याज डली पीमा डली हाँ और पलामून डली जरा के और बैंगन जरा के आलू बुई करके घासे कर ली मतलब खाली बैंगन के चटनी नहीं मिलाओ सब तीन गो हाँ मिलाओ तो ऐसे देख बता एक के गो हाँ बैंगन हुई हाँ हाँ अब ऐसे बोला सब बैगन में की चटनी बनाई ली चटनी वहाँ कैसे भी खुले हाँ बेटी तो अलवा नहीं डलवा और पल्ला मनवा तो ऐसे नहीं हुई अब बैगनवा जर जला था तनी कन हो जला ना तो ऐसे अलवा डलवा तो तनी लसगर हो जला जस्ती हो जला तब ऐसे बनाई ला चटनी है सगबा फाहता संगी हाँ फाहता संगी हाँ सब कुछ दाल रही भात रही सब कुछ संगी सगबा अब भाई हो गए हमने बनान के पुंगा पकैली बैगन के चटनी बनैली तनी सुखल सुखल बा ऊपर चाहे एगो गैसेक पकाई के तो हम हिरे खा दाल बुई कर देली काहूत डाल के अब दलवा के छौक दाल घाम हा दाल नहीं दाल छिपुआ हा काहूत हाँ हाँ अब अपन से पीस डाल के छौक अब दलवा के तो छौके खातिर तो हाई में से पीस मेलांस हा दाल छौके के फुरन और लाई जजाम गाजे हा प्याज है कारी पुले है पोम नामो और लाके जाओ छौ गो हाँ 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 तो गर्मा गल तेल हाँ बेटी अब छौक बुके प्याज और क्या चाहिए कैसे कारी पुले डालो बेटी अब हाँ हाँ है तो नहीं भून जाएगा हाँ अभी कर में तो नहीं पोम डामू डालो और है लाई जजाम हो कराजे तो लेकिन प्याज हो बा हाँ लाई जजाम और प्याज कराजे करा हो
प्याज के पीस देब त और लसगर हो हां लसगर और ओकर स्वाद दिसर ह तू अकेले रहेला हिया कछे नहीं मो हमर बेटी रहेला र हमर नाती रहेला संगे बेटी और नाती कितना गोदी की बा दुगो बेटी बा हां बेटा एगो बा एगो बेटा बा हां एगो बेटा अभी दिन में तू अकेले रहेला हां अकेले रहेला हां हां चैलेंज से काम करे काम करे हां हम अपन काम करके घरे लुगा उसी किला घरे हां अब रामायण में जाई के रहेला रामायण में जाईला कुमिते उ रही ता कुमिते में जाईला दो तीन गो सोसाइटी में है हम तो अभी के लिए एक मस्जिद पूजा बा हम यहाँ गाँव में जब चल रहेला फजर की हुआ पकाई तब शान की हाँ हाँ तब शान के आके फिर पूजा में जाईला हाँ 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 शादी में पूजा में सगरो जाईला पकाई अटन करा हाँ इसने विदे कर दा हाँ विदे करा वहाँ तो नहीं है वो उसी हुई दार अरे अब है इधर ना है लाके जाइयो हाँ हाँ अच्छा दाल चिप्पा में दाने जंसा लाके हाँ 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 कर सवाद दूसर हुई ना सबके अपन पसंद के हाँ कोई डाले जंसा कोई नहीं डाले ला हाँ तो अब भी पूजा रही तो पूजा में है सब नहीं डलाला प्याज लहसुन है लाके वो नहीं डलाला हाँ डलो पगल तो नहीं घर से खाओ तो करिया पर चली ना नहीं तो एकदम सुखल सुखल रही हाँ बुता दे चाची चाची घर से कौन सी संगे जस्ती घर से बेटी फाहता पकई बहुत जस्ती अच्छा लगे ला मैं अभी के लिए हम नहीं पकैले हैं भात पकैले हैं उसमें प्याज लाइची लवंग कानेल और तनी कन घी डाल के अच्छा एगो भी फ्रिकासे हाँ 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 अच्छा बात चाची हम खातिर कितना गुच्छी च पकैले बा घर से कैसे पोंगा बनान और चटनी बैगन के हाँ तीन चटनी मिला के अभी और फिर भी तनी कनार सलाद बनावा थे बेटी सलाद हाँ तो इमे तनी क्रिसों तनी कारोट तनी लेची मिलाउजी कर ले हैं क्रिसों छोटा छोटा काट दिया हुआ हाँ हो तो करिया पर सलाद चली ना हाँ। तो अभी थोड़ा घरी में चाची ये सब तरकारी जो अभी पकले हवन एक खजौते करब सर थोड़ा घरी में हम लिखे रसोई कार्यक्रम में चाची आनंदा अपादु जो रहलन हिया रिगज हों पाव में ला क्लेमेंस ना चाची हाँ बेटी ला क्लेमेंस में हम निखाते इतना इतना तकारी पकेले हवन अब हम निबात करब सर न्यूट्रिशनी सहार चिकित्सक आर्य माधुमन से हम निदेखब सर कि आर्य माधुमन हम निके काबुलियन ई रे पापर चला देखे कौन कौन विटामिन और सेल मिनरो बैगन से मिलेला तो सबसे पहले विटामिन आ बीटा कैरोटीन के रूप में मिलेला और हमनी के विटामिन सी भी मिलेला और मिनरल की तरफ से कैल्शियम फेयर इत्यादि हमनी के बैगन से मिलेला तो हमने सकब जा बोले कि बैगन एगो अच्छा चीज़ है खाए के तो हिया पर जैसे देख ला जा हमने बैगन के साथ आलू मिलाइले हैं जा कैसन आलू बुई आलू और साथ ही साथ उमे टमाटर ग्रिये टमाटर जैसे हमने बोली ला जा उमे मिलावल गलबा तो ऐसन मिलावट से का होला सबसे पहले ओकर स्वाद में बदलाव आवेला जोन लोग सादा बैगन नहीं खुश रहलन जा खाए के तो वो लोग के खातिर ये स्वाद वा बदल गलबा तो वो लोग के थोड़ा बहुत ये बदलाव से शायद खाए लग गया जा और दूसरा है ओकर पौष्टिक तत्व यानी कि न्यूट्रिटिव वैल्यू जस्ती हो जाला
कैसे जब हमने आलू मिलावत हई जा और टमाटर मिलावत हई जा तो सब जोन पौष्टिक तत्व आलू और टमाटर में बा बैगनवा में के साथ में मिल जाता तो ई मिलावट से तो उज्जस्ती हम जैसे बोली राजा नूरिसा हो जाला खाए के लिए तो ई दूसरा बात हो गल। और तीसरा ई है कि ओकर रंग में भी बदलाव आवेला है बहुत लोग बैगन के रंग भी नहीं पसंद करे लंजा तो ई जब मिलावट हो गल तो ओकर रंग भी बदल गल तो ई सब करके एगो शौजमा ई बदलाव हुआ आदमी के पसंद आए तो वो लोग सकियंजा खाए ई तो एक तरीका हो गल। और ई नहीं भुलाए के कि विटामिन और सेल मिनरल साथ ही साथ बैगन में फिब भी रहेला तो ई करके हमें के चाहेला जितना हो सके ओकर सेवन करे के। यहाँ पर ही चावल भी बनल बा दाल भी बनल बा और सलाद भी बनल बा और हमने के एगो खास तरकारी यानी कि एगो बनान के तरकारी शायद बहुत लोग ये तरकारी कभी खैले नहीं हवन जा देखले नहीं हवन जा कहे कि ई एगो बहुत हम सकब जा बोलेगे डेलिकेसी है बहुत लोग नहीं जाने लन जा एक बारे में तो हियाँ एगो पोंगा बनान के पोंगा बनल बा बनान के पोंगा जैसे जाने ला जा बनान के गाँच में मिलेला तो यही से जाके बाद में ओकर में फल आवेला यानी कि हम निशकब जा बोले वो फूल की तरह तो ये फूलवा में बाद में बनान आवेला तो हियाँ एकर तकारी बनल बा और ये काफ़ी एगो गौ चीज़ है बहुत लोग नहीं जाने ना जा तो ये एगो एगो डेलिकेसी जैसे हो जाला हमने के लिए तो हियाँ पर ही परोसल गलबा हमने के चटनी बैगन के चटनी दाल चावल सलाद और ये मिक्स सलाद बनल बा क्रेसों लेचू के साथ और ये साथ ही साथ हमने के बनान के तरकारी तो सबसे पहले चावल हमने के ऊर्जा देवता यानी कि एनर्जी प्रोटीन के तरफ से हमने के ग्रेसिक यानी कि जो दाल ग्राम बनल बा वो हमने के प्रोटीन देवता और वाइटामिन और मिनरल सॉस की तरफ से सब सब्जी जो बनल बा यानी कि बैगन के चटनी उधर सलाद वेयर और हमने के बनान के तकारी ये सब हमने के विटामिन और सेल मिनरल देवता तो सकब जा बोले कि ई खाना वा जो हमने परोसत हई जा वो हमने के लिए अच्छा है और एगो संतुलित आहार है। और यहाँ पर ध्यान रहे कि तेल इत्यादि के सेवन बहुत ही कम होल बा काहे कि बैगन के चटनी में बहुत तेल नहीं डलाल गल बा उमें जौन आलू डलाल गल बा एक तो उबुई है टमाटर भी ग्रिए है बैगन भी ग्रिए है तो तेल के सेवन बहुत ही कम होल बा और बनान के तरकारी में भी बहुत ही कम तेल सेवन होल बा और सलाद में भी ज़्यादा तेल नहीं डलाल गल बा तो जैसे कि देख ला जा आज के प्रोग्राम के द्वारा सब जोन बनल बा सब साथ ही साथ में खाइबा तो तोहरा एगो संतुलित आहार मिली और एगो संतुलित आहार हमने के स्वास्थ्य के लिए अच्छा। न्यूट्रिशनिस्ट आर्य मधुमन के हमने धन्यवाद करत हैं सर और साथे आपादू परिवार के भी बहुत धन्यवाद करत हैं सर हमने के रसोई कार्यक्रम में भाग लेलन आते सप्ताह हमने फिर से आवब जाए गो नवा कार्यक्रम लेके तू भी सकबा हमने के कार्यक्रम में भाग लेवे हमने के पता नोट कर रसोई MBC मौका।